देखो और सीखो के वीडियो को लाइक करके चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए बच्चों, मैं आज आपको एक बहुत ही छोटी सी मगर प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक साधु किसी नदी के पनघट पर गया और पानी पीकर पत्थर पर सिर रखकर सो गया। पनघट पर पनिहारी नहाती जाती रहती है ना, तो आई तो एक ने कहा, आहा साधु हो गया फिर भी तकिए का मोह नहीं गया, क्योंकि वो पत्थर पर सो रहा था ना। तो पत्थर का सही लेकिन सर तो रखा है ना। परिहारिन की बात साधु ने सुन ली, उसने तुरंत पत्थर फेंक दी। दूसरी बोली, साधु हुआ लेकिन खींच नहीं गई, अभी रोष नहीं गया, तकिया फेंक दिया। तब साधु सोचने लगा कि अब क्या करें। तब तीसरी बोली, बाबा यह तो पनघट है, यहाँ तो हमारी जैसी पनिहारने आती ही रहेंगी, बोलती ही रहेंगी, उनके कहने पर तुम बार बार क्या परिवर्तन करते रहोगे, तो साधना कब करोगे। लेकिन चौथी ने बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही अद्भुत बात कह दी। क्या कही पता है, उसने कहा, क्षमा करना लेकिन हमको लगता है कि तुमने सब कुछ छोड़ा लेकिन अपना चित्त नहीं छोड़ा है अभी तक, क्योंकि ये चित्त जो है वहीं का वहीं बना हुआ है तुम्हारा। दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, तुम जैसे भी हो हरि नाम लेते रहो ना। सच तो यही है, दुनिया का तो काम ही है कहना। आप ऊपर देखोगे तो कहेंगे कि अभिमानी हो गए, नीचे देखोगे तो कहेंगे बस किसी के सामने देखते ही नहीं, आंखें बंद करोगे तो कहेंगे कि ध्यान का नाटक कर रहा है, चारों ओर देखोगे तो कहेंगे कि निगाह का ठिकाना ही नहीं, निगाह घूमती ही रहती है, और परेशान होकर आंखें फोड़ लोगे तो यही दुनिया कहेगी कि किया हुआ भोगना ही पड़ता है। ईश्वर को राजी करना आसान है लेकिन संसार को राजी करना असंभव है। दुनिया क्या कहेगी उस पर ध्यान दोगे तो आप अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे, इसलिए आप अपना काम करिए, दुनिया की कहने की चिंता मत करिए, अतः कर्म करो, आलोचनाओं की चिंता न करो। इसी तरह किसी मनुष्य को भी यदि अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप ये चिंता मत करिए कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि आपका दिल तो कह रहा है ना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यदि लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, तो वहीं सचेत हो जाइए, क्योंकि लोग कहते तो हैं, उसको तोलना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी तरफ से महसूस करना चाहिए। ठीक है, तो कहानी कैसी लगी छोटे से करिए अपने कमेंट में बताइए ना, और पसंद आए तो लाइक करिए, आप बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद।